और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तिमाही नतीजों के साथ। आईसीआईसीआई बैंक के चौथे तिमाही के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। अगर ब्याज से आय देखेंगे यानी कि एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम, वहाँ पर 8% की बढ़त हुई। मुनाफे में 17% की बढ़त बैंक ने दर्ज की है और इसके अलावा प्रोविजन 31% घटे हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो 2.3% से घटकर 2.16% ये नंबर्स आए हैं और नेट एनपीए भी देखेंगे तो वहाँ पर भी सुधार हुआ है, 0.44% से घटकर 0.42% नेट एनपीए के आंकड़े भी देखने को मिले। एडवांसेस में 16% की बढ़त और डिपॉजिट में 19% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। तो हर फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स अनुमान से बेहतर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं विधि इन्वेस्टमेंट के, उनसे भी समझ लेते हैं और नतीजों पर चर्चा करेंगे। विवेक जी, थैंक यू सो मच इचिना स्वदेश को समय देने के लिए और आज वीकेंड के समय आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अब हम देख रहे हैं, काफ़ी पहले मुझे याद था कि मार्केट आज में ही ये नंबर्स आ जाते थे, लेकिन अब बैंकों ने भी अपने नतीजे वीकेंड में लाना घोषित कर दिया है। तो नंबर्स आपने देखे, अगर नहीं आप देख पाए तो फिर हम वापस से रिपीट कर देंगे आपके लिए। ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं, आपने क्या कुछ नोटिस किया नंबर्स में आईसीआईसीआई बैंक के? गुड इवनिंग पूजा, नहीं आपने सही कहा कि वीकेंड के दौरान ये आया है, तो नंबर पूरे डिटेल में तो नहीं देख पाया हूँ मैं भी, लेकिन जितना भी देखा हूँ उससे दिख रहा है कि जो बैंक है उसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और आपको ध्यान होगा कि आपके शो पे जितनी नौ पे जितनी बार भी मैंने बात किया है, मैं तो ये हमेशा बोलते रहा था कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे मैं काफी बुलिश हूँ सेक्टर पे, और ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ये अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो देखिए नंबर्स आपने तो स्क्रीन पे दिखा दिए, लेकिन ओवरऑल आप अगर प्रदर्शन देखो, देखिए आज के दिन बहुत फोकस रहता है एनपीएस पे, तो अगर ग्रॉस एनपीए 2.16 हो गया है 2.3 से और नेट एनपीए अगर 0.42 हो गया है 0.44 से, तो ये दिखाता है कि बैंक ऑन दी राइट ट्रैक है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में भी काफी दिक्कतें थी पहले कुछ साल पहले, अब वहां से ये लोग निकल के रिटेल फोकस करके काफी बेटर रिजल्ट्स ये लोग दिखाने लग गए। और ईयर ऑन ईयर आप अगर मुनाफा भी जो एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। तो देखिए तो ओवरऑल तो रिजल्ट अच्छे हैं, अब रही बात स्टॉक कैसा करेगा, आप अगर बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखो जो बाजार में है आज के दिन, एचडीएफसी ठीक ठाक या खराब नतीजे बोल सकते हो आप, कोटक महिंद्रा में दिक्कतें हैं, जब एक बैंक इतना अच्छा कर रहा है और लगभग उन्हीं बैंक के वैल्यूएशन से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बाजार इसको सल्यूट करेगा मंडे और आईसीआईसीआई बैंक अच्छा करेगा। इनफैक्ट आपके वीआईपी स्टॉक में मैंने रिकमेंडेशन भी दिया हुआ था कि 1250 तक ये जाएगा, जब ये 900 करीबन था, तो लग रहा है कि ऑन ट्रैक है और ये 1250 आपको दिखा देगा। बिल्कुल, और हम आपको बता दें कि 5:30 बजे बैंक की अर्निंग कॉल भी होगी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी निकल कर आ सकती है। मैनेजमेंट कमेंट्री पर क्लोजली नज़र थी हमारी। विवेक जी, मैनेजमेंट कमेंट्री जो होगी उसमें आप क्या कुछ खास सुनना चाहेंगे बैंक की तरफ से, और मार्केट से जुड़ा भी एक सवाल होगा क्योंकि आप बात भी कर रहे थे कोटक महिंद्रा बैंक ने के जो हाल फिलहाल खबर आई थी, एक ड्रैग आया था, फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियों के भी जब नंबर आए तो बैंक निफ्टी उससे काफ़ी नीचे आ चुका था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमने प्रेशर देखा था। आईसीआईसीआई बैंक क्या कुछ राहत दे सकता है, कुछ सहारा देगा यहाँ से निफ्टी बैंक की चाल को? देखिए लग तो रहा है, क्योंकि पहली चीज जो कमेंट्री है उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, और कमेंट्री में ये देखा जाएगा कि बैंक को फ्यूचर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कैसे दिख रहा है पहली चीज, और दूसरी चीज अगर इंटरेस्ट दरें यहाँ पे घटती है तो उनका वो एक्सपेक्टेशन भी हम लोग क्लोजली ट्रैक करेंगे। और रहा था बैंक निफ्टी बढ़ना या फिर ओवरऑल सेक्टर बढ़ना, देखिए आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज एचडीएफसी और कुछ अन्य बैंकों से थोड़ा सा कम है, लेकिन जो पॉजिटिव इंपैक्ट, क्योंकि अगर आप टॉप 5 या टॉप 6 बैंक ले लो तो उसमें एक आईसीआईसी भी आ रहा है, तो इसका कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और दिखेगा कि ये आगे चल के बाकी बैंक पे भी रिपल इफेक्ट आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, इनफैक्ट आप स्ट्रिक्टली अगर देखो तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर के कारण खराब है, लेकिन ओवरऑल ऑन ट्रैक है। तो आईसीआईसीआई बैंक का एक और ये देखा जाएगा कि रिटेल फोकस और ये मतलब जो कासा रेशियो है ये कैसे बढ़ रहा है, और रिटेल फोकस ये लोग कितना डीप जाना चाहते हैं, क्योंकि बैंक जो पहले कॉर्पोरेट लेंडिंग
से ये काफी फोकस अभी रिटेल पे आ गया है। तो ओवरऑल देखते हैं, अभी मैनेजमेंट कमेटी तो ड्यू है और अब वीकेंड है, पता नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन हाँ बाद में ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे। बिल्कुल, थैंक यू विवेक जी आपका समय देने के लिए और नतीजों पर अपना विश्लेषण करने के लिए। तो ये थे वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे लिए समय निकालते हुए, और नतीजों का विश्लेषण भी उन्होंने किया। नंबर ऑन द फेस ऑफ इट अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच